गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लॉर्ड मायो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड मायो का टाइम पीरियड एज अ वाइसरॉय 1869 से 1872 तक था। लॉर्ड मायो के टाइम में बहुत सारे इवेंट्स हुए थे। लॉर्ड मायो को हम 6 हेडिंग्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट है अफगानिस्तान अफेयर्स, सेकेंड है मायो कॉलेज, थर्ड है इंडियाज फर्स्ट सेंसस, फोर्थ है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, फिफ्थ है अदर वर्क्स और सिक्स्थ है असैसिनेशन ऑफ लॉर्ड मायो। अफगानिस्तान अफेयर्स, लॉर्ड मायो ने भी पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी को फॉलो किया था अफगानिस्तान में। पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी का मतलब है दूसरों के इंटरनल मैटर्स में इनएक्टिव हो जाना। इन्होंने अफगानिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं किया। लॉर्ड मायो अफगानिस्तान के मैटर में इनएक्टिव हो गए थे, इसी को पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी कहते हैं। तो गाइस, लॉर्ड मायो ने अफगानिस्तान में मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी को अपनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है मायो कॉलेज। लॉर्ड मायो ने 1875 में अजमेर में एक कॉलेज एस्टेब्लिश करवाया था जिसे मायो कॉलेज कहते हैं। इस कॉलेज में रॉयल फैमिली के बच्चे पढ़ते थे, जैसे कि प्रिंस, प्रिंसेस एक्सेट्रा। सर ओलिवर सेंट जॉन इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल बने। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियाज फर्स्ट सेंसस। सेंसस को हिंदी में जनगणना कहते हैं। लॉर्ड मायो के टाइम में ही 1871 में पहली बार इंडिया में पॉपुलेशन काउंट हुई थी या जनगणना हुई। लॉर्ड मायो ने इंडिया में स्टैटिस्टिकल सर्वे किया था। स्टैटिस्टिकल सर्वे यानी कि पॉपुलेशन का रिकॉर्ड कलेक्ट करना, और इस सर्वे में हर डिस्ट्रिक्ट, टाउन और विलेज का केयरफुली डेटा कलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। लॉर्ड मायो ने जेलों में बहुत सारे सुधार किए थे, स्पेशली अंडमान आइलैंड में। और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिफॉर्म था लॉर्ड मायो के टाइम का, वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था। एविडेंस का मतलब है सबूत या गवाही। पहले ये होता था कि सबूत पेश करने के लिए बहुत भेदभाव होता था। हर पर्सन के लिए सबूत पेश करने के लिए अलग अलग रूल्स बने हुए थे। एविडेंस पेश करने के लिए कास्ट, रिलीजन और सोशल पोजीशन के बेसिस पर भेदभाव किया जाता था। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के आने से ये सारे भेदभाव खत्म कर दिए गए, हटा दिए गए। और इस एक्ट में जो रूल्स बनाए गए वो सारे इंडियंस पर एप्लीकेबल थे। नेक्स्ट है अदर पॉइंट्स। लॉर्ड मायो ने रेवेन्यू, एग्रीकल्चर और कॉमर्स के डिपार्टमेंट को सेटअप करने का काम किया। लॉर्ड मायो के टाइम में एक बहुत ही अच्छी राइफल इंट्रोड्यूस करी गई और सोल्जर्स के लिए हेल्थ रिलेटेड अरेंजमेंट्स को इम्प्रूव किया गया। लॉर्ड मायो के टाइम में रोड, रेल रोड्स और कैनाल को बढ़ाया गया। लॉर्ड मायो ने पब्लिक कंस्ट्रक्शन के लिए एक पॉलिसी स्टार्ट करी थी, स्टेट कंट्रोल ऑफ पब्लिक वर्क्स। इस पॉलिसी से पब्लिक कंस्ट्रक्शन करवाए जाते थे। तो गाइस, ये सारे वर्क्स किए थे लॉर्ड मायो ने। अब देखते हैं कि लॉर्ड मायो की डेथ कैसे हुई थी। लॉर्ड मायो की डेथ नेचुरल नहीं थी, बल्कि इनका मर्डर किया गया था। लॉर्ड मायो का मर्डर शेर खान नाम के एक क्रिमिनल ने किया था 1872 में। जब ये अंडमान आइलैंड गए थे क्रिमिनल की कंडीशन देखने, तब इनका मर्डर हुआ था। तो गाइस, हम लॉर्ड मायो के टाइम के सारे इवेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। आई होप गाइस आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।